आपका पहला क्वेश्चन है, एक नोट पैड कैसा सॉफ्टवेयर है? एक टेक्स्ट एडिटर, दो ग्राफिक्स, तीन टेक्स्ट एडिटर और ग्राफिक्स, चार इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है टेक्स्ट एडिटर। टाइटल बार कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है पेज के सबसे नीचे, दूसरा ऑप्शन है पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में, तीसरा ऑप्शन है पेज के राइट साइड में, चौथा ऑप्शन है पेज के लेफ्ट साइड में। नोटपैड का बाय डिफॉल्ट नेम क्या है? पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है अनटाइटल्ड, तीसरा ऑप्शन है पेंट और चौथा ऑप्शन है फाइल नेम। मिनिमाइज बटन कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन टाइटल बार के लेफ्ट साइड में, दूसरा ऑप्शन है टाइटल बार के राइट साइड में, तीसरा ऑप्शन है पेज के नीचे और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मेनू बार कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है स्टेटस बार के बगल में, दूसरा ऑप्शन है स्टेटस बार के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है टाइटल बार के ऊपर और चौथा ऑप्शन है टाइटल बार के नीचे। टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कर्सर, दूसरा ऑप्शन है पॉइंटर, तीसरा ऑप्शन है लाइन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नोटपैड में टेक्स्ट चाहते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन पेज कहते हैं, दूसरा ऑप्शन फॉर्म कहते हैं, तीसरा ऑप्शन टेक्स्ट एरिया कहते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नोटपैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पहला ऑप्शन .txt, दूसरा ऑप्शन .doc, तीसरा ऑप्शन है .jpeg और चौथा ऑप्शन है .jif। बहुत सारे डेटा में से पार्टिकुलर डेटा को प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है कंट्रोल एफ का, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच का, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस के का और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ का। रिप्लेस कमांड का प्रयोग क्या है? पहला ऑप्शन है एक डाटा को दूसरे डाटा से बदलना, दूसरा ऑप्शन है एक डाटा को बोल्ड करना, तीसरा ऑप्शन है डेटा के बगल में एक और डेटा लाना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। समय और टाइम को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है F1 का, दूसरा ऑप्शन है F2 का, तीसरा ऑप्शन है F5 का और चौथा ऑप्शन है F6 का। रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है? पहला ऑप्शन है Ctrl+G, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+H, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+K और चौथा ऑप्शन है Ctrl+L। सभी डेटा को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए
किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेज को प्रिंट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है पेज को देखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पेज पेज को फॉर्मेट करने के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।